हेलो दोस्तों, नेचुरल होम ब्यूटी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं नाइट रूटीन में आप लोगों को फेस पैक बताऊंगी, जो कि बिल्कुल इजी है और आप सभी कर सकते हो। जैसे दिन भर के थकान के बाद या आप बाहर से आ रहे हो तो आपके चेहरे पर धूल मिट्टी और अधिक पॉल्यूशन होने के कारण गंदगी जम जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए एक फेस पैक लाई हूँ। तो उसको तो तीन स्टेप है, बिल्कुल आसान स्टेप है, आप उसको फॉलो कीजिए, फिर आप देखिए कि आपको कैसा फर्क नज़र आता है आपके स्किन पर। तो हर किसी को इस तरह फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होता है, हमारी स्किन बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, बिल्कुल कोई दाग धब्बे नहीं होते और स्किन पोर्स भी खुल जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी स्किन बेहद साफ होती है, गोरा होता है, स्किन टाइट होती है, बहुत सारी खूबियाँ होती है अगर हम उसकी अपनी स्किन की जो है नाइट केयर करें। अगर हम डे में नहीं कर पाते हैं तो नाइट में तो कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग रिलैक्स होते हैं। तो हम कहीं से आ रहे हैं थके हारे या कोई काम भी करके, हम रात में जो है 15 मिनट पहले सोने से पहले आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। और जो है रात में कोई भी फेस पैक आप लगाएंगी तो उसका ज़्यादा असर होता है हमारी स्किन पर, क्योंकि आप उसे लगाने के बाद सो जाते हो और सोने के बाद क्या होता है, अगर आप कुछ भी ना करो, अगर आप पर्याप्त नींद ले लो तो उसके बाद आपने देखा होगा कि आपकी स्किन में एक अच्छी सी चमक होती है, बिल्कुल अलग ही लगता है। तो अगर आप इस तरह इस स्टेप को फॉलो करके एक दिन आप रात में देखिए और उसके बाद सुबह देखिए आप अपनी स्किन को किस तरह होती है, तो मेरी मान के आप इस स्टेप को इस बार यूज कीजिएगा जो मेरी वीडियो को देखेगा। तो एक बार इसे एक रात आप फॉलो करके देखिए, फिर सुबह देखिए आपकी स्किन कैसी तरोताज़ा, बिल्कुल निखरी सी दिखेगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कैसे मैं इस नाइट रूटीन में आपको ये फेस पैक बताऊँगी। यहाँ पर हमने दही ले ली है, दही जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक है, आपके ब्लैक स्पॉट को मिटाएगा, दाग धब्बों को मिटाएगा। और उसके बाद हमने बेसन ले लिया है, बस दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है हमें। ये फेस पैक बनके रेडी हो गया है, बेसन हमारे स्किन पर निखार लाएगा। तो पहले मैं पहला स्टेप दूध से करेंगे, दूध से क्लींजर करेंगे, अपने चेहरे को साफ करेंगे। पहले आप जो है पानी से वॉश कर लीजिए, उसके बाद जो है आप क्लींजर कीजिए, दूध से कीजिए। दूध नहीं है आपके पास, फ्रेश दूध लेना है, ताज़ा उबला हुआ नहीं, तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो। तो यहाँ हम दूध का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह दूध को बार बार डिप करके आप अपने चेहरे को क्लीन कीजिए। ये प्रोसेस लगभग 1 मिनट चलेगा। दूध हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आपकी स्किन को जो है वाइटनिंग और लाइटनिंग बनाता है, और साथ ही आपकी स्किन के पोर्स में ये जाके आपकी स्किन को अच्छे से साफ करता है। तो लगभग 1 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद पानी से वॉश करके फिर फेस पैक को लगाएंगे। तो हमने 1-1.5 मिनट रखा था, दूध को सूख गया, उसके बाद पानी से वॉश कर दिया। इसी तरह आप लोग भी कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये फेस पैक का नंबर आता है, तो फेस पैक को पहले थोड़ा सा लेके अपने हाथों में ही ऐसे लगा के पूरी स्किन पे लगा के 2 मिनट तक हम मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, जो यहाँ पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं वो सब निकल जाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है, तेज हाथों से नहीं करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं लगाना है, क्योंकि स्किन जो चाहिए बहुत सेंसिटिव होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी स्किन जो है ख़राब हो सकती है। इसलिए आप हल्के हल्के हाथों से करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, होम रेमेडी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इसे आप 4 से 5 दिन करिए, फिर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। नज़र तो फ़र्क आपको एक ही दिन के यूज करने पर आएगा, आप एक बार करके ट्राई करके देखिए, सुबह उठ के देखिए, फिर आप देखिए कि आप स्किन आज कैसी है उसके पहले कैसी थी। तो ठीक है, मैं आप लोग को इस तरह बता रही हूँ कि ऐसा हल्का सा लेके मसाज करेंगे। उसके बाद मैं आप लोग को बता दूँ, मसाज करने के बाद ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट मसाज करने के बाद थोड़ा फेस पैक यही बचा के रखेंगे, पतली लेयर लगा के छोड़ देंगे। तो ठीक है, मैं पतली लेयर लगाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोग से।
10 मिनट बाद क्लीन कर लिया है, धो लिया है पानी से। आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है और छूने में बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, बिल्कुल मुलायम। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और इस फेस पैक को लगाने के बाद या जो है इस सारे स्टेप करने के बाद आपको कोई भी सॉप या फेस वाश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये अपने आप में ही क्लीन करता है। तो आपको किसी साबुन या फेस वाश लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है उससे वाश करें। फिर लास्ट स्टेप रहेगा, कोई भी तेल, कोई भी ऑयल, जैसे बेबी ऑयल या बादाम का ऑयल या जैतून का या कोकोनट ऑयल या कोई जेल, जेल में क्या जैसे एलोवेरा जेल है, लास्ट में इन सभी ऑयलों में से या कोई एलोवेरा जेल आप चेहरे पे लगा के 1 मिनट अप्लाई कीजिए, मसाज कीजिए। ये लास्ट स्टेप है, उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से आता है। तो मैं यहाँ पर आज यहाँ पर जेल लगा रही हूँ एलोवेरा। तो ये नाइट रूटीन का, अगर आप लोग को भी ये फेस पैक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, वैसे ही मत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ब्यूटी टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।